हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है, आप ध्यान दीजिए। ऊपर ट्रायंगल, नीचे रेक्टेंगल। ऊपर बेटा त्रिभुज है, नीचे आयत है। आपसे कहा है आप इन दोनों का पेरीमीटर निकालिए, परिमाप निकालिए। फिर आपसे कहा है किसका ज्यादा होगा, आप बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। कैसे निकलता है? इसकी बेटा तीनों ही साइडों को आप जोड़ दो। मतलब क्या करना है? AB प्लस BE प्लस AE कर देते हैं। AB प्लस BE प्लस AE, ठीक है? इन्हें जोड़ेंगे हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान देना, AB क्या है? 5/2। ये 5/2 लिखा। अब बेटा BE देखो, BE बेटा आपको दे रखा है 2 3/4 सेंटीमीटर, ठीक है? BE बेटा आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। सबसे पहले बेटा इसे फ्रैक्शन में बदलना होगा। कैसे बदलोगे? इन दोनों नंबर का होता है मल्टीप्लाई। जो नंबर आता है बेटा उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड जाता है। कर देते हैं, 4 का 2 में करा मल्टीप्लाई। ये जो नंबर आया बेटा उसमें ऊपर वाला नंबर 3 ऐड कर दिया, और अपॉन 4। ये कितना होगा? 8 प्लस 3 कितना हो गया बेटा? 11 अपॉन 4। ये बेटा बीई आ गया। अब इधर लिख लेते हैं 11/4। अब एई देखो बेटा, एई ये भी बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे भी बेटा हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा। 3 3/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? इन दोनों नंबर का होता है मल्टीप्लाई। जो नंबर आता है बेटा उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड जाता है। देखिए किस तरह से, 5 का 3 में कीजिए मल्टीप्लाई। ये जो नंबर आया बेटा उसमें भी 3 ऐड कर दो, ऊपर वाला नंबर ऐड अपॉन 5। जोड़िए 15 प्लस 3 18 और अपॉन 5। ये बेटा यही आया, इसे भी आप लिख लो, ठीक है? अब बेटा ध्यान देना, ये सभी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग-अलग है। क्या करोगे? सबसे पहले बेटा 2 4 और 5 का एलसीएम निकालोगे। यहाँ निकाल लेते हैं 2 4 5। 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, यहाँ 2 से करोगे 2 आएगा, यहाँ 5। फिर 2 से करोगे 1 1 5। अब 5 से कीजिए 1 1 1। एलसीएम आया बेटा 2 × 2 × 5 कितना हो गया? 20, ठीक है? ये जो एलसीएम आया बच्चों इसे आप यहाँ अपॉन में लिखिए, लिख लिया। अब बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले बेटा ये फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। इस फ्रैक्शन में बेटा नीचे क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो बच्चों इस 2 को छोड़ दो, जो नंबर बचा उस नंबर का बेटा ऊपर वाले नंबर में होता है मल्टीप्लाई। क्या कहा मैंने? इस 2 को छोड़ोगे ये नंबर बचा, क्या बचा? 2 × 5 मतलब 10 बचा। इस नंबर का बेटा इस ऊपर वाले नंबर में कर दो मल्टीप्लाई, हो गया। ये प्लस साइन में प्लस लगाया। अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो बेटा इस 4 को आप छोड़ दो, कौन सा नंबर बचा? बेटा 5 बचा। इस नंबर का बेटा इस ऊपर वाले नंबर में कर दो मल्टीप्लाई, मतलब 11 का 5 में मल्टीप्लाई, ठीक है? ये प्लस साइन है, प्लस लगाया। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बेटा 5 लिखा है, तो बच्चों इस 5 को आप छोड़ दो, क्या बचा? 2 × 2 बचा, मतलब 4 बचा। इस नंबर का बेटा ऊपर वाले नंबर में कर दो मल्टीप्लाई, 18 × 4 ये बेटा 50, ये 55 और ये बेटा 72 अपॉन 20।
जोड़िए 177 अपॉन 20। ये बेटा आपका आंसर आया फ्रैक्शन में। अब यदि आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना चाहते हो तो बेटा 20 से 177 को कर दो डिवाइड। 20 से 177 को करेंगे डिवाइड, 8 बार जाएगा 160, घटाइए 17 आया। कंप्लीट डिवाइड बेटा 8 बार हुआ तो बच्चों 8 लिखा। अभी बच्चों 17 को 20 से डिवाइड करना बाकी है, क्या लिखोगे 17 अपॉन 20। इस तरह से बेटा आंसर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो और बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। अभी हमने बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकाला, अब बच्चों हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए, तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B होता है। लेंथ बेटा ये है, या ये समझो ये आपकी लेंथ हो गई, ये बेटा ब्रिथ हो गई। फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं 2 × लेंथ बेटा ये है, ये बेटा BE है और BE आपने निकाली 11/4, पहले ही निकाल चुके, लिख दो। ब्रिथ देखो बेटा क्या है 7/6, ठीक है। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बेटा 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आया 3 आया, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 3 आया, फिर 3 से डिवाइड करोगे 1 1 आया, एलसीएम आया बेटा 2 × 2 × 3 कितना हो गया 12। ये जो एलसीएम आया आप इसे अपॉन में लिखो, ये बेटा अपॉन में लिखो, ठीक है। अब आप ध्यान देना इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, इसके नीचे बेटा 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो बच्चों इन दोनों नंबर को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो। यदि आप 4 को छोड़ दोगे कौन सा नंबर बचा, 3 बचा। इस नंबर का बेटा इस ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई होता है, 11 का 3 में मल्टीप्लाई 33, ये प्लस। अब इसकी बारी, यहाँ 6 लिखा है तो बेटा आप ध्यान दो इन दोनों का मतलब 6 हो गया, इसको छोड़ के कौन सा नंबर बचा, तो बेटा 2 बचा। इस नंबर का बच्चों इस ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, 7 का 2 में करा मल्टीप्लाई 14, 2 के टेबल से इसे कैंसिल कर दिया, जोड़िए ये आया 47/6। ये आंसर बेटा फ्रैक्शन में है, हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे, कैसे 6 से बेटा 47 को करेंगे डिवाइड, 7 बार जाएगा 42 आया, घटाइए 5 बचा। बेटा कंप्लीट डिवाइड 7 बार हुआ, ये 7 लिखा। अभी बेटा 5 को 6 से डिवाइड करना बाकी है, तो 5/6। इस तरह से बेटा आंसर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन दोनों में बन गया। अब बच्चों आपको इसी क्वेश्चन में कहा है ट्रायंगल का पेरीमीटर ज्यादा है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर ज्यादा है, ग्रेटर पेरीमीटर पता करना है, तो बेटा ध्यान दो ट्रायंगल का पेरीमीटर आपने ये निकाला, यहाँ क्या आ रहा है 8 आ रहा है। आपने बेटा रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी निकाला, वो क्या आ रहा है बेटा 7 आ रहा है, तो 8 बड़ा नंबर है 7 से, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा ग्रेटर होगा। यदि आपको यहाँ प्रॉब्लम होती है, मेरी बात समझ में नहीं आती कि ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मैडम ने किस तरह से बता दिया, तो बेटा इसका दूसरा तरीका भी है जिससे हम पता कर सकते हैं। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, अलग अलग, तो बेटा दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, इसे भी लिख लेते हैं। अब हम डिनोमिनेटर सेम बनाना चाहते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 6 है बच्चों, इधर ऊपर नीचे 6 से कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे 1062 और नीचे मल्टीप्लाई करोगे 120 और सेंटीमीटर लगा दो, ठीक
ठीक है। अब इधर इसके डिनोमिनेटर में बेटा 20 था, ऊपर नीचे इसमें 20 से कर दू मल्टीप्लाई, 940/120। अब समझना, अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा बेटा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन गए, नीचे ध्यान मत। अब देखिए बेटा ऊपर कौन सा नंबर आपको बड़ा दिख रहा है, तो बेटा ये नंबर किस नंबर से बड़ा है, ये बताता है बेटा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर ग्रेटर होगा किससे, इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर से।